मध्य प्रदेश के सागर जिले के रहली से दमोह की ओर जा रही एक यात्री बस बुधवार को अचानक भीषण हादसे का शिकार हो गई। जी हां, यात्रियों से खचाखच भरी तेज रफ्तार बस कंटेनर से क्रॉसिंग के दौरान पेड़ से टकराकर पलट गई, जिसमें करीब एक दर्जन यात्री जख्मी हो गए, जिन्हें तत्काल रहली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तो वहीं कुछ घायलों को तेंदुखेड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भेजा गया। वहीं एक यात्री हालत गंभीर होने के चलते उसे जबलपुर रेफर किया गया है। आपके शहर सागर में पहली बार मोबाइल ऐप के जरिए जेसीबी क्रेन हाइड्रा पोकलैन इत्यादि मशीनें किराए पर उपलब्ध। प्रथम ग्राहकों को 1500 रुपए तक की छूट, तो देर किस बात की, मशीनें चाहिए तो पायरेंट ऐप पर आइए। दरअसल बुधवार को सागर जबलपुर स्टेट हाईवे 15 पर सागर जिले के चनौआ रहली से दमोह जिले के सर्रा जा रही बस क्रमांक MP09FA1631 कंटेनर को क्रॉसिंग के चलते पेड़ से टकराकर सड़क किनारे पलट गई, जिसमें करीब 30 से ज्यादा यात्री सवार थे। वहीं करीब एक दर्जन यात्रियों को चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि हादसे में गिरजाबाई पति रज्जन पटेल उम्र 55 वर्ष निवासी चांदपुर रहली बुरी तरह जख्मी हुई है, जिन्हें जबलपुर रेफर किया गया है, जबकि अन्य घायलों को सागर जिले के रहली और तेंदुखेड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। घायल यात्रियों का कहना है कि बस तेज गति से क्रॉसिंग करते समय दुर्घटना का शिकार हो गई, जिसमें क्षमता से अधिक यात्री सवार थे। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस हादसे की जाँच कर रही है। अभी जानकारी मिली है कि मोहली के आसपास किसी बस का एक्सीडेंट हुआ है, उसमें 3 पेशेंट आए, जिसमें एक पुरुष है और 2 महिलाएं। पुरुष को सर में लगी है चोट, थोड़ी सी ज़्यादा है, तो उसको हमने फ्री अस्पताल में रेफर किया है। महिलाओं का इलाज यहीं पर। दमोह से विशाल रजक और रहली से आसू दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज। रोहित मोबाइल मकरोनिया का सबसे बड़ा मोबाइल शोरूम, जहां आपको मिलेंगे थोक एवं कम रेट पर मोबाइल। तो आधार कार्ड लाएं और 5 मिनट में मोबाइल ले जाएं। हमारा पता है खाद गोदाम के बाजू से मकरोनिया चौराहा सागर।